प्रदीप जी हिंगड़, मनी जी पालरिया, गोवर्धन जी देवासी, सुनील चौधरी जी, भंवरलाल जी बलाई, अशोक चौधरी जी वार्डन साहब, रामगिरी जी महाराज साहब, श्याम खींचड़ जी दवे साहब और तमाम अन्य उपस्थित हमारे बुजुर्गों भाइयों और बहनों नौजवान साथियों, अभी पायलट साहब ने आपको बताया जिस रूप में आप लोग यहाँ बैठे हुए हो। आज नामांकन बड़ा बलिराम जाखड़ साहब ने, राहुल गांधी जी ने सोच समझ करके इनको दूसरी बार आपके यहाँ से कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया। आपका आशीर्वाद इनके साथ रहा, आपका प्रेम, आपका प्यार, आपका स्नेह और आपका विश्वास एक ऐसे इंसान के साथ रहा जो 24 घंटे ही आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहे। और पाली के गांव में दौरे करना हो, लोगों से मिलना हो, सुख दुख में काम आना हो, कोई कमी नहीं रखी। और इस बार जब चुनाव आए तो स्वतः ही पाली के लोकसभा के क्षेत्र के लोगों ने कहा यहाँ से बलिराम जाखड़ ही चलेगा। ये माहौल बना और पायलट साहब ने, अविनाश पांडे साहब ने, ये बंसल साहब ने सबकी सलाह से राहुल गांधी ने इनको दूसरी बार आपके यहाँ से भेजा है। और उस उम्मीद के साथ भेजा है, उस अपेक्षा के साथ भेजा आपसे कि आप लोग आशीर्वाद मिलके भारी बहुमत से कामयाब होंगे। मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, जो हालात देश में बन गए हैं वो बहुत खतरनाक है, कुछ समझे या नहीं समझे। बोलने की आज़ादी नहीं है, सरकार की आलोचना नहीं कर सकते, आलोचना करोगे तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई अलग तंग कर रही है। मोदी जी ने पुराने जो वादे किए थे पिछली बार तो सबको अच्छे लगे और भारी बहुमत से उनको अपने कामयाब किया। हमारी तो सीटें 21 पे लगी राजस्थान में, अच्छा काम करने के बावजूद भी। तो लोकतंत्र है, हमने झुक करके प्रणाम करके हार को स्वीकार किया और कहा भाई वसुंधरा जी आपको शुभकामनाएं हमारी, आप काम का संभालो, राज करो, शासन करो, आपको भारी बहुमत मिला है। और मोदी जी को 25 सीटें सौंप दी राजस्थान में। तो आप देख लीजिए 5 साल में जो वादे उत्सव किए थे मोदी जी ने और वसुंधरा जी ने, 15 लाख नौकरी दे देंगे, सुशासन देंगे, उसके बजाय वसुंधरा जी ने एक तरफ तमाम हमारी योजना को बंद कर दिया, जैसे पानी का आपका जवाई डैम में पानी आना था, जैतारण तक का। आप बताइए क्या कारण है कि जैतारण बाबर जंक्शन की जो योजना है उसको धीमा कर दिया। करीब 215 गाँव की स्कीम हमने बनाई थी उस वक्त में, कोई कारण नहीं। पर जिस प्रकार से बड़ी बड़ी योजना बंद कर दी, इसको धीमा कर दिया, रिफाइनरी बंद कर दी बाड़मेर वाली, आदिवासियों के रेल लाइन जाने की वो बंद कर दी, मेट्रो बंद कर दी जयपुर की, ऐसा राज नहीं देखा कि राज तो बदलता है, आगम बदलता, हुक्म कभी नहीं बदलता। ये काम तो पुराने थे, तो वसुंधरा जी ने ही काम किया, 5 साल किसी ने निकाल दिए, कोई किसी मिलना नहीं जुलना नहीं, किसी गरीब की बात सुनना नहीं, लोग भटकते रहे, लाठीचार्ज होता रहा जयपुर के अंदर, बीजेपी दफ्तर के बाहर, मंत्री लोग जाके वहाँ बैठते थे बीजेपी दफ्तर में, किसी वर्ग को नहीं छोड़ा, बुजुर्गों को, महिलाओं को, छात्रों को, नौजवानों को, शिक्षा कर्मियों को। 5 साल ऐसे गुजरे, कब चुनाव आए, कब वसुंधरा घर भेजे। तो मोदी जी ने भी वादे के लिए काला धन लेके आऊँगा, लोग बहुत खुश हो गए जब कोई आदमी विदेशों से काला धन लेकर आया, 5 साल में 1 रुपया काला धन का नहीं आया देश के अंदर। महंगाई कम कर दूंगा, महंगाई बढ़ती गई, तेल की कीमतें घट गई विदेशों में, तेल विदेश आता है राजस्थान में क्या देश के अंदर, उनकी कीमत घट गई, आधी हो गई,
तो हमारे तेल की कीमतें डीजल और पेट्रोल के बराबर हो। भ्रष्टाचार के हमने खत्म कर दिया। पूछो आपके यहाँ व्यापारियों को सबको 10 गुना रेट बढ़ गई है। इनकम टैक्स में भी अन्य विभागों में 10 गुना रेट बढ़ गई है। भुगत रहे सब लोग। 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दूंगा मैं प्रतिवर्ष, वादा ही वो ठप हो गया उनका। और अब जो चुनाव में कायदा होता है, ये जो वोटों का राज दिया है कांग्रेस का दिया देश को। गांधी जी के वक्त में पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबू कलाम आज़ाद, अमेरिका साहब ने संविधान बनाया तब का लोकतंत्र कायम है 70 साल में। ये कोई कम बात है। पाकिस्तान में ऐसी कोई मीटिंग नहीं हो सकती। बार बार सैनिकों का शासन, चुनी सरकार को डिसमिस, और राज करते हैं मिलिट्री वाले राज करते हैं। 70 साल में आप देख रहे हो। यहाँ पर क्या है, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, मुरारी भाई देसाई को सत्ता सौंप दी। राजीव गांधी चुनाव हार गए, बीपी सिंह को सत्ता सौंप दी। ये हमारी खूबी रही है। और इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया। 90,000 उनके कर्नल, जनरल, मेजर, सैनिक सबके हथियार समर्पित करवा दिए, हमारी सेनाओं के सामने समर्पित कर दिए, सरेंडर हो गए। दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी सुना आपने? कोई मोदी जी कभी ये बात कही देश को? कोई इंदिरा गांधी की मैं तारीफ करता हूँ, उन्होंने ये काम तो बहुत शानदार किया, देश का मान सम्मान दुनिया में बढ़ा दिया, एक मुल्क का नया बनाने उदय कर दिया, कभी नहीं कहा। खालिस्तान बनना था पाकिस्तान, पाकिस्तान के सहयोग से, और सब लोग लगे हुए थे, विदेश डाकर लगे हुए थे। पंजाब अलग करना चाहते थे हमसे, आतंकवाद इतना था, कितने लोग मारे जाते थे आपको मालूम है। इंदिरा गांधी ने वहाँ पर कार्रवाई करी, उनकी हत्या कर दी गई, उनके सीना छलनी कर दिया गया प्रधानमंत्री का। वो शहीद हो गए देश के लिए। क्या प्रधानमंत्री के मुँह से ये बात कभी निकली कितना बड़ा त्याग किया है इंदिरा गांधी ने आतंकवाद के नाम पे? आतंकवाद खत्म कर दिया गया। और आज इनके वक्त में पाकिस्तान की खाली आलोचना करते रहो, तो कार्रवाई क्या किया आपने? सर्जिकल स्ट्राइक तो कांग्रेस की शासन भी होती थी। इतना ही फर्क, हम कहते नहीं थे आप कहते हो, क्योंकि आप मार्केटिंग के मैनेजर हो। मोदी जी मार्केटिंग के मैनेजर हैं और कोई दम नहीं है। जैसे फिल्मों में आप देखते हो, फिल्म देखते हो जा करके, तो एक्टर होता है, एक्ट्रेस होती है, और खलनायक होता है, वो खाली एक्टिंग करते हैं, सच्चाई कुछ नहीं होती। प्यार मोहब्बत भी होता है फिल्मों में, डांस भी होते हैं, खलनायक अपनी भूमिका अदा करता है, तो आप बताओ सच्चाई होती है क्या? वो खाली एक्टिंग होती है, सच्चाई कुछ नहीं होती है। मोदी भी जो लटके झटके करते हैं बोलते हुए, वो एक्टिंग की तरह करते हैं, एक्टिंग की तरह करते हैं। उनकी बोलने की अदाएं, उनके आरोप ऐसे लगते हैं कि ये भी एक एक्टर की तरह एक्टिंग कर रहे हैं, सच्चाई कुछ नहीं है। तो प्रधानमंत्री को भी झूठी बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री क्योंकि एक्टिंग करते हैं तो सच्चाई फिर क्या हो सकती है? इस रूप में आज देश में जो माहौल बना दिया है, आज लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, और देश खतरे में है। ये आपको समझना पड़ेगा। ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। मुख्यमंत्री आपका प्रथम सेवक हूँ राजस्थान का, मेरा फर्ज बनता है कि मैं जनता को आगाह करूँ। अंतिम फैसला भाई बाप आप लोग हो, देश के अंदर आप लोग फैसला करोगे कौन सत्ता संभाले, कौन MLA बने, MP बने, ये हमारे माई बाप आप लोग हो। और जो राजनीति में पद पे होता है, चाहे मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उसकी ड्यूटी है वो अपनी बात खुल के कहे जनता के सामने। आज डर का माहौल है, घृणा का माहौल है, नफरत का माहौल है। राहुल गांधी कहते हैं भाई हमारी दुश्मनी उनसे भी नहीं है, वो तो कहते कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि हम BJP मुक्त भारत बनाएंगे। उनका नहीं, BJP रहेगी, रहनी चाहिए, RSS रहेगी, रहनी चाहिए। वो अपनी उनकी विचारधारा अलग है, हमारी अदालत नहीं, उनसे दुश्मनी नहीं है, वो अपना काम करे,
हम अपना काम करें, सच्चाई हमारे पक्ष में है। हम चाहते हैं कि सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोग मिलकर चले भाई भाई की तरह। दुनिया देखिए, हिंदुस्तान में अनेकता में एकता है, फिर भी 70 साल के बाद में ये मुल्क एक ही अखंड है। क्या जान दे दी है राहुल गांधी, राजीव गांधी ने, इंदिरा गांधी ने, ये हमारी खूबी है। ये कभी मोदी जी को और इनके लोगों समझ नहीं आती है। मैनिफेस्टो साधना दिया आपको हमने, पिछली बार जो सरकार दी यूपीए दी तो नरेगा नहीं क्या है, दुनिया के इतिहास में ऐसी कोई योजना नहीं है रोजगार देने की जो हमने यहाँ लागू की। ये उसके खिलाफ है बीजेपी वाले, आपको मालूम पाली हो जोधपुर हो बाड़मेर जैसलमेर यहाँ लोग कितना अकाल थोड़ा पड़ते थे, अकाल पड़ते ही मुँह लटक जाते थे भाई काम मांगने के लिए, कोई भीख मांग रहा है अपनी गृह नेतृत्व के नेताओं को, देखा होगा आपने। आज स्वाभिमान के यहाँ जीता आदमी, मेरे को 100 दिन का रोजगार था सरकार को, कानून बन गया देश का, सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह ने मिला दिया कानून, 100 दिन का रोजगार तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा मांगने पर। आज वो चिंता की लकीरें नहीं होती है। अब तो राहुल गांधी ने परसों मैनिफेस्टो में कह दिया 100 दिन नहीं अब 150 दिन का रोजगार देंगे देश के जनता, 72,000 रुपये 25 करोड़ लोगों को मिलेगा एक साल का। मोदी जी 6,000 रुपये दे रहे हैं एक साल का, 2,000 की किस्तें दे रहे हैं। राहुल गांधी का हम 6,000 रुपये देंगे प्रतिमाह देंगे, प्रतिमाह देंगे, एक महीने में 6 हज़ार और उनके एक साल में 6,000। आप कल्पना करो, ये सोशल सिक्योरिटी है, सामाजिक न्याय व्यवस्था की बात है। शानदार मैनिफेस्टो आ गया देश में, स्वास्थ्य का अधिकार मिलना चाहिए आपको, हमने यहाँ दवाई फ्री कर दी, राजस्थान में कैश फ्री कर दिए, काफ़ी कदम उठाए, हम और आगे बढ़ना चाहते हैं। राजस्थान में शिक्षा में स्वास्थ्य सेवाओं में इंसान जो पैदा हुआ है उसके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसी स्थिति होती है, अगर वो मिल जाए व्यक्ति को वो प्रदेश और देश अपना भी उन्नति करता है। पढ़ा लिखा इंसान होगा अच्छा, स्वस्थ होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, दवाइयाँ नहीं खर्च करनी पड़ेगी, पैसे इलाज का कितना खर्च होता, 50,000, 1,00,000, 2,00,000, कितना महंगा इलाज होता प्राइवेट में। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि पाली का अपना बड़ा महत्व है, 3 सीटें हैं जोधपुर जिले की, 5 सीटें पाली की। आज हमारे साथी कोई बिलाड़ा गोपालगढ़ वो शहरी में आए हैं, बाकी पाली कि आप सब लोग इकट्ठे हुए हो, मैं कहना चाहूँगा आपको कि आज बीजेपी ने जो शासन किया है, दो लोगों ने राज किया, खाली मोदी जी और अमित शाह ने राज किया, और कोई मंत्री कौन है हिंदुस्तान की जनता को मालूम ही नहीं है। आप ही नहीं बता सकते हो कि आज मंत्रिमंडल में कौन कौन है मोदी जी के, आप नहीं बता सकते, इसमें कोई नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि उनका सबका कद जो है नीचे रखा गया, अमित शाह का चेहरा आगे रखा गया, इसीलिए राजस्थान में आज कांग्रेस की हवा चल रही है, हवा चल रही है कांग्रेस की, गाँव में ज़्यादा चल रही है, शहर वाले डराए हुए हैं, घबरे हुए हैं, क्योंकि व्यापारी लोग हैं वो डरते जलती हैं, पता नहीं मोदी वापस आ गए तो हमारा क्या होगा, गब्बर सिंह आ गए तो क्या होगा, डराते नहीं डराते। तो गब्बर सिंह वाले टैक्स लगा दिया, इन्होंने डर के मारे सब डर गए, गवर्निंग टैक्स देश के सामान्य मानवी का हो या फिर मुट्ठी भर कुछ परिवारों का, इसको तय करने वाला ये चुनाव है।